So guys, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नो फ्री लंच इन मशीन लर्निंग सो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनफैक्ट मशीन लर्निंग में ये एक थ्योरम है ठीक है जिसको हम नो फ्री लंच थ्योरम बोलते हैं मशीन लर्निंग में 1996 में देर वॉज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ डेविड वॉलपर्ट इन्होंने एक पेपर रिलीज किया था जिसमें इन्होंने ये थ्योरम पब्लिश किया सो so, इस थ्योरम में क्या बोला जाता है कि अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करते टाइम कोई अजम्पन्स ना लो तो फिर कोई तरीका नहीं है ये बताने का कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या डेटा सेट के ऊपर कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल ज्यादा अच्छा काम करेगा मतलब बहुत सिंपल है मशीन लर्निंग मॉडल्स अजम्पन्स uh, लेते हैं जैसे कि लीनियर मॉडल्स जो है जैसे कि लीनियर रिग्रेशन या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन उनका कोर अजम्पन कि डेटा इज लीनियर ठीक है सिमिलरली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में हमारा अजम्पन होता है कि न्यूरल नेटवर्क ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेविड वॉल्पर्ट सेट कि अगर आप ये अजम्पन्स ना लो तो यू कैन नॉट टेल कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करना चाहिए सारे के सारे मॉडल्स फिर आपको ट्राई करने पड़ेंगे और फिर एक ही तरीका है पता करने का कि बेस्ट कौन है और वो है कि आप इवेल्युएट करो एक्यूरेसी निकालो और फिर जो भी एक्यूरेसी सामने आ रही है जिसकी भी सबसे अच्छी वो मॉडल को आप यूज करो बट ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी गिवन प्रॉब्लम के ऊपर हर मशीन लर्निंग मॉडल को चला के देखो दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल दैट इज वाई वॉट वी डू इज वी मेकम्शन ठीक है अगर आपने मशीन लर्निंग में इनफ काम किया होगा तो आपको आइडिया भी होगा जैसे कि अगर थोड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम होता है तो हम लीनियर मॉडल्स यूज करते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं टेक्सचुअल डेटा है तो हम नाइव बेस यूज करते हैं ठीक है तो इस पूरे थियोरम में बस ये समझ में आता है कि